Priyanka Gandhi, Kuyum Sahab, Mushtaq Sahab, Haji Sahab, Anwar Sahab. Indian National Congress. जो 5 साल उसने देश को गुमराह किया और कान थका दिए अपने जुमले सुना सुना के, एंड में आकर लोग उसको अब अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। जितने आंकड़े उसने दिए थे, बिजली पहुंचाई, सड़क बनाई, पता नहीं क्या किया, आज जमीनी सतह पर लोग उसको जवाब दे रहे हैं। अब उसको राहुल गांधी का एक, वो नेशनल लीडर है, एक्सेप्टेड लीडर है, और वो कहीं भी देश में कितनी भी जगह उसको ऑफर आई है, उसमें मोदी को क्यों पुरपराहट हो रही है। खसूसी इसमें मामला है वो ये है कि जो लोगों के जहनों को मुंतशिर किया है भाजपा सरकार ने, कभी 370 ख़त्म करने की, 35 से उठाने की जो मेहरबानी पीडीपी की है, और आज लोगों के जहनों में वो चीज़ भी है। और कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान कांग्रेस है, और 370 हिंदुस्तान के आईन में दिया हुआ एक तहफ़ है, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, 35A उसका सेफगार्ड दिया है। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज अपने मुल्की मैनिफेस्टो में एक पूरे एतमाद के साथ कश्मीरियों को ये एतमाद दिया है कि 370 35A की भरपूर हिमायत, जब तक कांग्रेस का वजूद रहेगा तब तक हम 370 35A को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ये सबसे बड़े पार्टी की तरफ से सबसे बड़ी कमिटमेंट है। उसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल, इस तरह के बातें करके रेस्ट ऑफ द कंट्री में पोलराइज करके अपना समर्थन लेना है, तो यहाँ पर कोई किसी को किसी मजहबी चीज़ों में इंटरफेयर करने का हक नहीं। कौन क्या बोलता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, यही तो कांग्रेस गारंटी दे। आर्मी के लोग पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो आर्मी के लोग भी कहीं किसी के बाप हैं, कोई उनका बाप है, वो भी अपने रोजी रोटी के लिए, परिवार के लिए आर्मी में आते हैं, वो मरने के लिए नहीं आते हैं। और वो खुद फील करते हैं कि मोदी के पीरियड में उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौत का शिकार होना पड़ा, और अगर यहाँ पर बातचीत के ज़रिए से अमन बहाल किया जाएगा तो अपसफा जैसे कानून की ज़रूरत नहीं है।